सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 2022 में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, दोबारा से सोचा कि अपने चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उनके जो पोते हैं चौधरी जयंत सिंह, उनके थोड़े से हाथ मजबूत किए थे, पूरे तो नहीं किए, थोड़े से ज़रूर किए थे, 8 सीटें दी थी उनको, 8 सीट 12 से 15 सीटें ऐसी थी जहाँ 100-200 वोटों का हार जीत का मार्जिन रहा था। लेकिन उन 8 सीटों का कमाल देखो आप, सिर्फ 8 सीट, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और 8 सीट है जयंत चौधरी के पास, उन 8 सीटों का कमाल है कि खतौली वाली सीट खाली करवा दी। ये है, थोड़ी सी आपने ताकत दी थी, आपकी ताकत को सही अंजाम तक पहुंचाया था जयंत चौधरी ने, 8 सीटों का। खतौली विक्रम सिंह सैनी, जो कि उलझुल बयानबाजी करता था, भड़काऊ भाषण देता था, उसकी सीट खाली करवा दी। अभी खतौली में चुनाव है, वोटिंग तो उत्तर प्रदेश की जनता को करनी है, लेकिन यह याद कर लेना, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, ये हमेशा गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सीटें भी नहीं थी इनके पास, तब भी लड़ रहे थे। आपको याद है किसान आंदोलन के दौरान 54 महापंचायतें की थी इसी जयंत चौधरी ने, कभी किसी स्टेज पर नहीं आया किसानों की पे, ये कहा था कि मैं सिर्फ किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा बन के लड़ाई लड़ूंगा, नेता बन के नहीं, और वही किया। कुछ चुनाव भी नहीं लड़ा, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, चुनाव भी नहीं लड़ा था। 8 सीट दी उत्तर प्रदेश ने, अच्छा फैसला किया, लेकिन एक खतौली वाली सीट वापिस दो, पावर देखना फिर आप, और 2024 का जो चुनाव है उसमें जयंत चौधरी का हाथ मजबूत करके देखो, उत्तर प्रदेश की काया कल्पना हो जाए तो बता देना, चेंज हो जाएगा सब कुछ। आपको याद है जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली में गुड़ बांटा गया था, उस टाइम पे कितनी भोली थी किसान कौम, ये बोला था कि उनको ये नहीं पता था प्रधानमंत्री क्या होता है, ये बोला था कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गया, इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनको यही नहीं पता था प्रधानमंत्री कैसे। इस भोली कौम को इतना ठगया इन पार्टियों ने, इतना ठगया। हम तो ये चाहते हैं कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश से निकल कर इनको मजबूती दो, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी आए, ताकि यहाँ से भी सुधार हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी आई है, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, लूटने के लिए आई है सिर्फ, और लूटती रहेंगी किसानों को हमेशा, खास करके किसान मजदूर को, गरीबों का कोई भला नहीं कर सकता, इन वो पार्टी हमेशा करेगी। सोचना आपको है, गोदी मीडिया की नेगेटिविटी क्या है वो सबको पता है। जयंत चौधरी के ऊपर भी प्रेशर दिया गया था कि विक्रम सैनी के खिलाफ ना एप्लीकेशन लगाए, ना कुछ करें, लेकिन हटवा के दिखाया। ये आप लोगों की ताकत थी ये, कि जयंत चौधरी को थोड़ी सी पावर दी थी, उसका आपको कमाल दिखा दिया है। अगर आप उनको फुल पावर दोगे तो क्या आपके काम नहीं होंगे? याद आया आपको जब चौधरी अजीत सिंह ने बोला था कि मिलों के लाइसेंस ले लो जितने किसानों को चाहिए, किसानों ने बोला था कोई नहीं चौधरी साहब आप बैठे हो, पछता रहे हैं अब। लेकिन क्या पता था, ना चौधरी अजीत सिंह साहब को पता था, ना ही लेने वालों को पता था कि उनकी औलाद ऐसी निकलेंगी बीजेपी का और धर्म का झंडा उठा के चलेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बीजेपी और धर्म के झंडे ने ना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश को छोटा मोटा राज्य नहीं है, पूरे देश की सत्ता में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये उत्तर प्रदेश तय करता है, ये सबको पता है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सोचा आपने कभी? अब आते गोदी मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया का तो आप कमाल जानते ही हो, ये वही गोदी मीडिया है। जब किसान अपना हक लेने के लिए चले थे तो खालिस्तानी और आतंकवादी, खालिस्तानी शब्द हमने पहली बार तभी सुना था जब गोदी मीडिया ने बोला था ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है, सभी किसानों को खालिस्तानी बना दिया। अभी अमृतपाल के पीछे लगे एक खालिस्तानी खुलेआम घूम रहा है, अलग देश की मांग कर रहा है, तब भी यही बोला गया था किसान आंदोलन में। पता नहीं आपका दिमाग कहाँ पे सोया हुआ है, लेते हैं गोदी मीडिया की सुनते हैं, वो तो अलग देश की मांग कर रहा है, किसान भी अलग देश की मांग कर रहे थे ना, इसी गोदी मीडिया ने बोला था कि खालिस्तानी है, अलग वो चाहते हैं, क्या नहीं याद आया क्या, या इतनी जल्दी भूल जाते हो? फिर तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं जो गोदी मीडिया की बातों में आता है, वो तो कहेंगे कोई, तुम अपना हक मांग के देख लो, स्टूडेंटों ने अपना हक मांगा था, लाठियां और डंडे मिले थे, किसानों ने अपना हक मांगा, लाठियां डंडे, बैंक वालों को ले लो या टीचरों को ले लो, सब का लाठी और डंडे मारे, लेकिन अकल तुम्हारा भी नहीं आई, तुम बस उस गोदी मीडिया की बात तो मार जाते हो। अमृतपाल सिंह ये कर रहा है अलग देश, कौन सा अलग देश, वो तो ये कर रहा है पंजाब को नशा मुक्त करना चाह रहा है, अमृत छका रहा है, समस्या क्या है उसमें किसी को? ये जो दो कोड़ी के इंसान कमेंट करते हैं ना बिना बात के फर्जी के, और कहीं भी पोस्ट डाल देते हैं, अरे ये खास करके गोदी मीडिया एक खालिस्तानी खुलेआम घूम रहा है, तो फिर किसान भी 750 किसान शहीद हो गए, दिखाया क्या कभी गोदी मीडिया ने, बेशर्म मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, बस उनको विदेशों से फंडिंग होती है, तुम्हारी कहाँ से फंडिंग होती है? कोई गोदी मीडिया से कभी सवाल किया है तुम्हारी फंडिंग कहाँ से होती है जो तुम लेते हो और सभी पे इल्जाम लगाते थे? ये दूध के धुले हुए हैं क्या, दूध के धुले हुए हैं, इनकी जीभ चेक किया करो, पूरा गोबर चाट जाते हैं नेताओं के जूतों का, जूतों पर थोड़ा सा भी तिनका नहीं रहने देते गोबर का, खास करके मीडिया वाले विशेष तौर पर।
इतने बड़े बेशर्म, और इनकी फिर सुन लेते हो आप लोग, सुनते हो आप इनकी। कभी भी अगर कोई पहले ठीक था, एक न्यूज चैनल होता था उस पर न्यूज आती थी सीधे सिंपल तरीके से, आजकल तो इतनी जोर से चिल्लाते हैं पता नहीं, जैसे युद्ध यही लड़के लड़के आएंगे। गोदी मीडिया को बोलो, जितने भी गोदी मीडिया के एंकर ग्राउंड के ऊपर आएंगे और मिलेंगे लोगों से, इनको पता तो चले ना इनकी औकात क्या है। किसान आंदोलन याद आया क्या, याद आया क्या गोदी मीडिया वालों को? तब तो बड़े चिल्लाए थे, हमारे को मार रहे हैं कूट रहे, तुम झूठ के वो छोटे तूफान छोड़े, तुम्हारा बाप ही नहीं आता लोगों के बीच में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, दो बार प्रधानमंत्री रह लिया, कहीं खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कभी जनता के बीच में आया है? किसका प्रधानमंत्री किसका है वो, अंबानी अडानी का या इस देश की जनता का? कभी जनता के बीच में आता ही नहीं, मन की बकवास कर देगा कहीं भी बैठ कर, वो बकवास सुनो फिर तुम बैठ कर क्या करोगे ऐसे प्रधानमंत्री का? हम तो नहीं मानते ये प्रधानमंत्री, कुर्सी खाली है, अंबानी और अडानी का गुलाम है ये, तो खरीदा हुआ गुलाम है, सरेआम करें इस बात को। बस उन्हीं की भाषा बोलेगा, उनके लिए सब कुछ करेगा, मरो जवान मरो किसान। जवानों की दुजो रेल बना रखी, सबको पता है जवानों की हालत क्या कर दी, ले दे गए एक नौकरी बस्ती थी गरीब के बच्चों के पास, किसान के बच्चों के पास, उस नौकरी का भी कल्याण कर दिया, जाएं कहाँ पे, कहाँ पे जाएंगे, समझना आपको है। गोदी मीडिया तो ऐसे ही चिल्लाएगी, इनका काम है झूठ बोलना, ये झूठ बोलते रहेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, कभी आप लोगों ने सोचा है, सोचा है क्या? सोच के देखना एक बार, आप कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए, जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं जिन्हें बेल आइकन को नहीं दबाया, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपके सामने रख देंगे तथ्यों के साथ, बात को रख देंगे, फैसला आपको करना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना है, हर एक बात आपको बताते रहेंगे, फैसला आप लोगों को करना है। मानते तो किसी की हो नहीं, झंडा वही उठाना आप लोगों को। फिर नमस्कार भाई दोस्तों।